एक लड़का काफी निराश था, परेशान था, वो सफल होना चाहता था। किसी ने कहा कि उस साधु के पास चला जा, उस महात्मा के पास चला जा, वो तुम्हें सिखाएंगे सफल होने के रहस्य क्या है। वो लड़का सफल होने के लिए जिज्ञासु था, जानना चाहता था कि आखिर सफलता का रहस्य क्या है। आप भी जानना चाहते हो ना कि सफलता का रहस्य क्या है? सुनो आज कहानी। तो वाक्य ये होती है कि साधु महाराज कहते हैं कि कल सुबह नहा धुआ कर आना और मुझे बताना कि तुमने सफल होने के लिए क्या क्या किया। उस लड़के ने कहा कि मैं सफल होने के लिए दिन रात पढ़ता हूँ, सफल होने के लिए समुद्र की गहराइयों में ढूंढा, पहाड़ की ऊंचाइयों पर ढूंढा, हर जगह पूछा, किसी ने सफलता का रहस्य नहीं बताया। आखिर सफल होने के क्या गुण रहस्य है, मैं आपसे जानना चाहता हूँ। साधु महात्मा ने कहा कि नहा धुआ कर आए हो? बोला कि हाँ बिल्कुल, चंदन टीका लगा कर के आया हूँ, मुझे सफलता का रहस्य चाहिए, आज आप मुझे बताओ, मैं सफल होने के लिए व्याकुल हूँ, बेचैन हूँ। महात्मा ने कहा बहुत सिंपल है, चलो मेरे साथ। उस साधु ने उस व्यक्ति को नदी किनारे ले गया, एक नदी किनारे ले गए, आराम से वहाँ बैठा, बोला कि कुछ मंत्र का जाप करो मेरे साथ, कुछ मंत्र का जाप कराया। बोला बेटा इस नदी में तुम थोड़ा अंदर चले जाओ। लड़का नदी में गया, पानी थाई के ऊपर आया। बच्चे ने कहा कि महाराज, साधु जी थाई के ऊपर वाटर आ गया है। साधु ने कहा और अंदर जाओ। लड़का और अंदर गया, बोला वेस्ट कमर तक आ गया है। साधु ने कहा कि और अंदर जाओ, मैं भी तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ। साधु उसके साथ साथ नदी में प्रवेश कर गया और नदी में प्रवेश कर गया, पानी यहाँ तक आ गया। लड़के ने कहा कि पानी यहाँ तक? साधु ने कहा डरने की बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पानी यहाँ तक आ गया, बोला कोई चिंता मत करो, सफलता का रहस्य इस नदी में मिल जाएगा। पानी यहाँ तक आ गया, बोला महाराज मेरे पैर उठ रहे हैं, मुझे तैरना भी नहीं आता और मैं सफलता का रहस्य चाह रहा हूँ, जल्दी बताइए मुझे। बोला कि जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे रहस्य मिलेगा नहीं। पानी यहाँ तक आ गया, बोला मैं कैसे चलूँ, तो डूब जाऊँगा। तो जैसे ही जब आप देखोगे, जब आप पानी के अंदर जाते हो ना, तो आपके शरीर हल्के और पैर जमीन से उठने शुरू हो जाते हैं और आप हिलने ढूंढने लगते हो। वो लड़का सेम काइंड हुआ, वो भी हिलने ढूंढने लगा, पानी यहाँ तक आ गया था, अब वो खड़ा नहीं हो पा रहा था। तभी साधु ने उसके बाल पकड़े, चूल पकड़े और पानी में डुबो दिया, पानी के अंदर तब तक रखा जब तक उस लड़के का जो शरीर था वो नाक मुंह नीला पीला नहीं पड़ने लगा, वो एक सांस कतरा बिना मरने लगा, तब उसे जो है बाहर निकाल करके छोड़ दिया कि लाओ किनारे लाओ। अब लड़का किनारे आया, मन ही मन साधु को क्या बोल रहा होगा अभी पहचान सकते हैं, लेकिन जब किनारे आया साधु ने प्रश्न पूछा कि मुझे बताओ, तो जब तुम पानी के अंदर थे तो सबसे ज्यादा तुम्हें किस चीज की आवश्यकता थी, क्या तुम्हें भगवान की याद आ रही थी, क्या तुम्हें कोई याद आ रहा था? बोला कि ना। तुम्हें क्या याद आ रहा था? क्या तुम्हें माता पिता याद आ रहे थे? क्या तुम्हें भाई बहन याद आ रहे थे? बोला कि कोई याद नहीं, कोई रिश्तेदार याद आ रहे थे? नहीं। तो क्या याद आ रहा था? उसने कहा कि हवा के कतरे के बिना मेरा जान मेरा प्राण निकल रहा था, यानी कि मैं हवा के कतरे के लिए परेशान था, मेरे पास एक ही लक्ष्य था, किसी तरह एक सांस ले लूँ, किसी तरह एक प्राण ले लूँ, यानी सांस जो था वही मेरा प्राण था, उसके बिना मेरा लगा कि दुनिया अब नहीं है। बोला सफलता का ही तो रहस्य है, जिस चीज को तुम पाने के लिए उतने ही व्याकुल हो जितने व्याकुल तुम एक सांस के लिए थे। अगर तुम सफलता पाने के लिए उतने ही व्याकुल, उतने ही जिद्दी, उतने ही बेचैन हो, तो सफलता तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम जो चाहो प्राप्त कर सकते हो। तुम अब तक सिर्फ पढ़ते रहे, अब तक सिर्फ तुम घूमते रहे, अब तक तुम ढूंढते रहे, अब तक किताब खरीदते रहे, लेकिन सफलता पाने के लिए अगर जब तक जड़ तक अपने पूरे शरीर के हर एक ब्लड सेल में, हर एक टिश्यू में, हर एक सेल में अगर तुम्हारे पाने की भूख चारों तरफ से एक ही बात, सफलता सफलता सफलता, जिस चीज़ को UPSC टॉप करना चाहते हैं, SSC बनना चाहते हैं, तो आपके अंदर वैसे ही आग, वैसे ही जिज्ञासा, जैसे डूबते हुए को बिल्कुल एक सांस चाहिए, वैसी सफलता के बिना जिंदगी अधूरा है। अगर ऐसी चाहत है तो मेरे दोस्त, आपको सक्सेस होने से, आपको सफल होने से दुनिया की कोई ताकत, ईश्वर भी स्वयं आपको रोक नहीं सकते, आप सफल हो जाओगे। सफलता का यही मूल मंत्र है कि आपकी चाहत
कितनी ज़्यादा है, कितने डूब के चाहते हो, कितने तूफानी चाहते हो या सिर्फ चाहते हो। मुद्दा आपके ऊपर है कि आप कैसे चाहते हो, कितने अंदर से बेचैनियाँ हैं, कितने अंदर से तड़पन है, क्या तड़पन है, कितने तड़पते हो, कैसे सुबह जगते हो, कैसे शाम जगते हो, कैसे रात जगते हो, कैसे दिन जागते हो। न नींद की चैन, न खाने की चिंता, न किसी चीज़ की चिंता, बस एक ही चिंता है, सफलता, सक्सेस। IAS बनना है और IAS के लिए, सिलेक्शन के लिए, SSCGL के लिए, UPSC के लिए, एयरफोर्स के लिए, NDA के लिए, जिस चीज़ को चाहते हो उतने ही आग, उतने ही इच्छा गहन रूप से होनी चाहिए। सफलता आपके कदम चुमेगी, आप सफल हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।